तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द फ्रेश ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं मनाली, मैं और पुलकित। हमें थोड़ा सा काम था कुल्लू में, तो सोचा मनाली भी घूम के आ जाएंगे। और वैसे भी आजकल स्नोफॉल भी बहुत हो रखी है वहाँ पे, मैंने देखा था सभी आजकल मनाली जा रहे हैं। तो हमें तो थोड़ा सा काम था, इसलिए हम आज मनाली जा रहे हैं। और कुछ दोस्त हैं, उनसे भी मिल लेंगे, कॉलेज टाइम के पुराने दोस्त। और अभी फॉर्च्यूनर में ही जा रहे हैं हम, तो स्नो में भी थोड़ा बहुत चला के देख लेंगे कि कैसी परफॉर्म करती है। तो अभी हम मंडी पहुंच चुके हैं, यहाँ से हम कुल्लू के लिए जा रहे हैं। और यहाँ से हमें टाइम लगेगा 1-2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे कुल्लू में। कितना टाइम लगता है? 2 घंटे में हम कुल्लू पहुंच जाएंगे। स्नो पीक्स यहीं से दिखना पूरी स्टार्ट हो चुकी हैं। ये प्राशर वाला रास्ता है बाई द वे, हम मेन रास्ते से नहीं गए हैं, ये प्राशर वाला रास्ता है। यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक भी कम रहता है क्योंकि दूसरे रोड पे थोड़ा रोड का काम चला हुआ है, तो हमने सोचा इसी रास्ते से आते हैं। और ये रास्ता थोड़ा सीनिक भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो सामने पूरे बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं। तो यहाँ से हमें 2 से 3 घंटे लगेंगे कुल्लू के लिए। सामने वहाँ पे जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं, जहाँ पे बर्फ़ दिख रही है हल्की हल्की, वो प्राशर है। प्राशर में भी इसका मतलब पूरी बर्फ़ गिर चुकी है। देखेंगे अगर वापसी में टाइम लगा तो वहाँ भी जाएंगे। वैसे तो मेरे हिसाब से टाइम नहीं लगेगा, पर देख सकते हो अब यहाँ पे ही इतनी बर्फ़ है, तो मनाली में तो काफ़ी बर्फ़ होएगी। वाले रास्ते भी जो टर्न्स है वो बहुत शार्प है, मतलब एकदम से आगे से गाड़ी आती है, तो स्लो चलना पड़ रहा है। अगर रात को यहाँ पे ड्राइव करते हैं, रात को तो बहुत इजी रहता है पहाड़ों में ड्राइव करना, क्योंकि आगे से लाइट पड़ जाती है और पता चल जाता है आगे से गाड़ी आ रही है। लेकिन दिन में थोड़ा सा ध्यान से चलना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही शार्प टर्न्स हैं यहाँ पर, देख सकते हो आप। और दूसरी साइड तो फिर पता ही है आपको, नीचे तक बहुत गहरा गांव है। तो इस रास्ते से आओ या फिर कहीं पे भी पहाड़ों में जाओ तो सेफली चलना चाहिए। तो फर्स्ट स्नो दिख गई है हमें, हल्की हल्की स्नो यहाँ पे पड़ी है, देख सकते हो आप रोड साइड में। तो ये तो अभी शुरुआत है, ये तो हल्की हल्की स्नो है अभी। जब तक पूरी बर्फ़ में नहीं पहुंच जाते, पूरी स्नो में, तब तक मज़ा नहीं आएगा। क्यों बोल के? बिल्कुल फुल स्नो, फुल वाइट हो जाएंगे वाइट गाड़ी में। तो अभी यहाँ से हमें 1 घंटे में पहुंच जाएंगे हम कुल्लू। और अभी भी मतलब गाड़ी में एज सच ठंड नहीं लग रही है। बाहर मेरे को पता है 12 डिग्री बता रहा है बाहर का। बाहर अगर बाहर स्नो पड़ी है यहाँ पे तो ऑब्वियसली बाहर थोड़ी देर निकलेंगे तो ठंड लगेगी हमें, पर अभी गाड़ी के अंदर तो बिल्कुल कोजी है। अब थोड़ी ज़्यादा बर्फ है। जोश आ गया बर्फ़ देख के, है ना? बिल्कुल। अभी तो आगे और मिलेगी, ये तो थोड़ा सा बस एक ट्रेलर था, ट्रेलर जो आपको दिखाया है, अभी फुल फ्लेज आपको आगे दिखाएंगे। तो ये जिस अभी हम ट्रेन में चल रहे हैं, आप देख सकते हो कीचड़ जैसा दिख रहा है ये, पर ऐसे ही ये देख के धोखे में मत आना। इसी के नीचे मतलब ये ब्लैक आइस होती है बिल्कुल, जब स्नोफॉल होती है उसके बाद धूप निकलती है, धूप निकलने के बाद जब वो बर्फ़ पिघलती है और रात को जब वो फिर से जम जाती है, तो वो बिल्कुल शीशे की तरह मतलब ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके ऊपर मतलब गाड़ी बहुत ज़्यादा स्केड करती है। तो ऐसी जगह पे बिल्कुल ध्यान से चलना चाहिए, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस हो वहाँ पे तो 4x4 गाड़ी भी मतलब कुछ नहीं कर पाती, वहाँ पे स्नो चेंज होना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हो यहाँ पे हल्का हल्का कीचड़ दिख रहा है, पर हल्की हल्की बर्फ़ भी नीचे जमी हुई है। तो ऐसी जगहों पर ध्यान से चलना चाहिए, और ब्रेक का जितना कम हो सके उतना कम यूज़ करो, गियर पे गाड़ी उतारो, जैसे सेकंड गियर में, फर्स्ट गियर में ब्रेक लगानी नहीं है, मतलब लगानी है अगर कुछ आगे से आ जाए तब तो लगानी पड़ेगी,
पर वो भी मतलब थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे ब्रेक लगानी चाहिए और गियर पे गाड़ी उतारनी चाहिए, फर्स्ट गियर सेकंड गियर इसी हिसाब से चलना चाहिए। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और पूरे 4 बजे हम पहुंच चुके हैं। देख सकते हो आप सामने मेन रोड दिख रहा है, बजौरा नाम है इस जगह का। अब यहाँ से राइट साइड चला गया कुल्लू की तरफ और लेफ्ट साइड अगर और टनल जो आपको पता है उस साइड चला गया। वैसे हम लेफ्ट साइड से आते पर अभी ये हमने शॉर्टकट लेके आए प्रेशर वाला, इस रास्ते से आए हम। इस साइड चलते हैं ना कुल्लू, कुल्लू इस साइड है, सॉरी कुल्लू राइट साइड है, लेफ्ट साइड है कुल्लू लेफ्ट साइड है और ऑट राइट साइड है, सॉरी ये हर बार मैं कंफ्यूज होता हूँ। पिछली बार भी मैंने यही बोला था ना, पिछली बार भी मैं ऐसे ही कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पे लेफ्ट साइड को कुल्लू को चला गया और राइट साइड चला गया ऑट वाली साइड अपना। तो यहाँ से अब कुल्लू को मेरे हिसाब से 20-25 मिनट लगेंगे, 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे हम कुल्लू। वहाँ पे मिलते हैं अपने दोस्तों से और फिर देखते हैं आगे का प्लान क्या है, उनसे बात करके कि क्या करना है कहाँ जाना है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमने रुकना था, फ्रेंड्स आगे जा रहे हैं, अंधेरा बहुत है यहाँ पे। फिलहाल सामान यहीं पे रख देते हैं। ये मेरा दोस्त यशवंत, यशु, हाँ यशु, हम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते थे और ये बीटेक करता था और मैं बीबीए में था। तो अभी स्टार्टिंग में हम साथ ही रहते थे 6 महीने। हाँ स्टार्टिंग में क्या, अभी भी तो साथ में, अभी भी साथ में, मतलब क्यों यशु भाई जला दोगे? कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं जलती है या नहीं जलती। बिना मिट्टी के तेल के, बिना मिट्टी के तेल से देखो दोस्तों कैसे आग जलाई जाती है। तो अभी तो पूरा बादल हो चुके हैं यहाँ पे, ऊपर तारे वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहे हैं और सामने हमारे टेंट है जहाँ पे हम रुकेंगे और यहाँ पे हमारे यशु भाई आग जलाने का प्रयास करते हुए ये नहीं जलेगी यशु भाई ऐसे में, जलेगी जलेगी जलेगी, रुके हैं आप भाई हमें बताएंगे कि कोहली जब कैसे चीयर करता है। लास्ट में चीयर करता था शाबाश शाबाश, लास्ट तक उसकी अकेली आवाज सुनाई देती थी, पूरी टीम में किसी की आवाज नहीं सुनाई देती थी, सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली। ये विराट कोहली के लिए एक बनता है और ये अपने लिली भाई, यीशु के छोटे भाई, बड़े बड़े भाई इस भाई प्लेजर की आपने मुझे छोटा बोल दिया, मेरे को बड़ी खुशी की बात है। तो बस यहीं पे ही था आज हमारा रुकने का, और सुबह आपसे मिलते हैं। अनटिल दैट, साइनिंग ऑफ लिबरेट व्हील्स।